हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओस्ट वाल्ड प्रोसेस के थ्रू नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन, यानी ओस्ट वाल्ड विधि के द्वारा हम नाइट्रिक एसिड कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो उसको बनाने के लिए एक ओस्ट वाल्ड प्रोसेस आती है नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए, उसको हम समझ लेते हैं। ये हमारी ओस्ट वाल्ड प्रोसेस दी गई है। अब इस प्रोसेस के थ्रू हमारा जो नाइट्रिक एसिड है वो कैसे बनता है, तो इस प्रोसेस को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लीजिएगा, सबसे पहले बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, ये जो चैम्बर आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं कैटालिस्ट चैम्बर। ठीक है, कैटालिस्ट चैम्बर का मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं उत्प्रेरक कक्ष। कैटालिस्ट चैम्बर में यहां पर देखिएगा, ये जो जालियां लगी हैं, ये जालियां होती हैं प्लेटिनम की जालियां होती है, यानी ये प्लेटिनम कैटालिस्ट होते हैं। ठीक है, ये जो प्लेटिनम कैटालिस्ट लगे हुए हैं, अब क्या होता है कि इस चैम्बर का जो टेम्परेचर होता है वो 800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, यानी ये हमारा कैटालिस्ट चैम्बर है, इसमें क्या है कि प्लेटिनम के कैटालिस्ट लगे हुए हैं और इस चैम्बर का टेम्परेचर कितना है, 800 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, अब इस चैम्बर में हम क्या करेंगे कि नीचे से अमोनिया और एयर भेजेंगे, मतलब यहां से अमोनिया और एयर पास कराएंगे। अब जब अमोनिया जाएगी और एयर जाएगी तो 800 सेंटीग्रेड डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर क्या होगा कि यहां पर कैटालिस्ट कौन है, हमारा प्लेटिनम है। ठीक है, तो यहां पर ये दोनों रिएक्शन करेंगी और ये जो अमोनिया है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, यहां पर क्या बनेगा, NO बनेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर इस नाइट्रोजन ऑक्साइड को हम क्या करेंगे कि अगले ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर में भेज देंगे। ठीक है, यानी इस नाइट्रोजन ऑक्साइड को हम अगले चैम्बर में भेजेंगे और अगला चैम्बर हमारा कौन सा होता है, इस चैम्बर को बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर, हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकरण कक्ष। अब इस ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर में क्या होगा कि नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करने के बाद में क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहां पर हो गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया। अब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फिर आगे चल के हम इसको क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, तो इसको हम भेज देंगे इस एब्जॉर्बेशन चैम्बर यानी अवशोषक कक्ष में। ठीक है, अवशोषक कक्ष क्या होता है कि इस अवशोषक कक्ष में यहां पर क्या होता है, यहां पर पानी भरा होता है, नीचे अवशोषक चैम्बर होता है और यहाँ पर कुछ पत्थर के टुकड़े रख दिए गए हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े रख दिए गए, नीचे से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जाती है ऊपर की ओर। ठीक है भाई, गैस गर्म है हल्की सी तो ऊपर की ओर जा रही और ऊपर से पानी गिरता है। ठीक है, जैसे ही ये गैस पानी के संपर्क में आती है वैसे ही क्या होती है, पानी के द्वारा यानी वॉटर के थ्रू इस गैस को एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी वाटर इस गैस को एब्जॉर्ब कर लेगी और एब्जॉर्ब करने के बाद में फिर क्या होता है, यहां पर नाइट्रिक एसिड बनता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है हमारे नाइट्रिक एसिड बनाने की। और कौन सी प्रोसेस होती है, तो ये ओस्ट वाल्ड प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड, यानी ओस्ट वाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण। एक बार फिर हम समझ लेते हैं, सबसे पहले क्या होता है, कैटालिस्ट चैम्बर होता है, कैटालिस्ट चैम्बर में यहाँ पर क्या होता है, प्लेटिनम की जालियां लगी होती हैं। ठीक है, और ये प्लेटिनम की जो रॉड्स लगी होती है ये कैटालिस्ट का वर्क करती हैं। इस चैम्बर का जो टेम्परेचर होता है वो 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है और इसी टेम्परेचर पर हम क्या करते हैं, नीचे से अमोनिया और एयर दोनों को पास कराते हैं, ये आपस में रिएक्शन करके नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाते हैं। अब उस नाइट्रोजन ऑक्साइड को हम क्या करते हैं कि अगले चैम्बर में भेजते हैं। अगला चैम्बर हमारा कौन सा होता है, तो अगला चैम्बर हमारा दिया गया ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर यानी ऑक्सीकरण कक्ष। इसमें क्या होता है कि कैटालिस्ट चैम्बर से मिली हुई हमें नाइट्रोजन ऑक्साइड और यहां पर ऑक्सीजन होगा क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर है, तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा और ये क्या बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। अब इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम फिर अगले चैम्बर में ले जाएंगे, ये इधर बनी, इधर से होते हुए ये नेक्स्ट चैम्बर में जाएगी, उस नेक्स्ट चैम्बर को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन चैम्बर यानी अवशोषण कक्ष बोलते हैं।
इस चैम्बर से में क्या होगा कि नीचे से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जाएगी और यहाँ पर कुछ क्वार्ट्स होंगे यानी पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े रख देंगे, ऊपर से पानी आएगा, नीचे से जाती हुई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस को क्या करेगा, ये पानी एब्जॉर्ब कर लेगा अपनी ओर, ठीक है, और एब्जॉर्ब करने के बाद में क्या बना देगा, ये बना देगा नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या सीखा, हमने सीखा ओस्टवाल्ड प्रोसेस के थ्रू नाइट्रिक एसिड कैसे बनाया जाता है।